76% लोगों की बिजली जो कम आती है वो बाकी के लोगों के पैसे लेकर उसको दिया जाता है। दिल्ली के अंदर अगर 30,000 करोड़ का बजट हुआ करता था 2013 में, आज की डेट में दिल्ली के अंदर करीबन 60 करोड़ का बजट है। हम लोगों ने बिजली फ्री दी, पानी फ्री दिया, महिलाओं को आवागमन बसों में फ्री दिया, युवाओं को वाईफाई दिया, उसके बावजूद भी हम लोगों ने कमा के दिखाया, दिल्ली को घाटे में नहीं जाने दिया। रही बात स्वाभिमानी बनाने का, इसके लिए हम लोग स्वास्थ्य और शिक्षा को, हमारा मानना है कि जिस देश का नागरिक अच्छा शिक्षित होगा और उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा वो अपने आप इस काबिल बन जाएगा कि अपने परिवार को, अपने लोग को, अपने देश को वो चलाने के काबिल बन जाएगा। एकदम जो माननीय पत्रकार जो इस बात को कह रहे थे उनकी वेदना को मैं भी समझता हूँ। मैं भी देश का एक अच्छा नागरिक हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि मैं अपने हाथ से कमा के अपने घर वालों को खिलाऊं, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाऊं। अच्छे स्कूल का मतलब क्या हुआ? अच्छा स्कूल सरकारी क्यों नहीं? अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं सरकारी क्यों नहीं? मैं वही कह रहा हूं, ऐसा क्यों नहीं है? जब ये देश का संविधान लिखा गया था, अगर आपने दिल्ली में अच्छी शिक्षा का संविधान लिखा गया था, ये संविधान में डाला गया था, इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते? जब संविधान लिखा गया था, जब देश आजाद हुआ था, तब ये डाला गया था कि हम टैक्स के पैसे से लोगों को अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छा स्वास्थ्य देंगे, अच्छी सड़कें देंगे, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे। तो कोई अलग से अरविंद केजरीवाल नहीं बोल रहा। अच्छा चलिए चलिए चलिए, मैं आपसे एक सवाल पे मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। कोई हम लोगों ने अलग से कोई काम नहीं किया, हम चाहते हैं कि हमारा देश स्वाभिमानी बने, हमारे देश की जनता स्वाभिमानी बने। मगर अभी जो 75 साल से जब बात कर रहे हैं कि देश आजाद होने के बाद भी आज हम फ्री के लिए प्रीतपाल जी, आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। हम तो आए अभी 6 साल हुए हम लोग राजनीति में, हम ये चाहते हैं कि टैक्स के पैसे से उनको उनका हक मिले, ठीक है? समझ में आ गया आपको कि टैक्स के पैसे जनता के ही हैं, ताकि वो अपनी पोस्टर चेंज कीजिए, पहले पोस्टर चेंज कीजिए, फ्री कुछ नहीं है, सब आपका पैसा है, ये पोस्टर चेंज कीजिए, पहली चीज। तो टैक्स के पैसे से दे रहे हैं सर, मैंने पहले कहा। अच्छा दूसरा, सरकार अपने बाप के घर से नहीं देती। अब मेरा दूसरा, कोई भी सरकार, चाहे मोदी जी हो, चाहे अरविंद जी हो, चाहे योगी जी हो, अपने बाप के घर से कोई नहीं देता, ये जनता के टैक्स के पैसे से दे। दूसरा सवाल ले लीजिए, आपने नेताओं पे सवाल उठाया कि फ्री बिजली लेते हैं, गाड़ियां फ्री, ये फ्री वो फ्री, आपकी सरकार जो प्रचार करती है वो पैसा क्या केजरीवाल जी के घर से आता है क्या? वो भी तो सरकार का पैसा है, जनता का पैसा है। आप बिल्कुल, आप इंतजाम से ज्यादा आप इस्तेहार में विश्वास रखते हो? आप इंतजाम से ज्यादा इस्तेहार में विश्वास रखते हो? क्यों, ये किसका पैसा है? क्यों बर्बाद कर रहे हो हमारे पैसे? दिल्ली के अंदर ये जनता का पैसा है। दिल्ली के अंदर सर मैं जवाब दे रहा हूँ जी, दिल्ली में 2013 के पहले अगर आप देखेंगे तो डेंगू से कम 1500 से 2000 मौतें हुआ करती। मात्र 70 करोड़ के बजट से बना हुआ प्रचार, जिसमें हम लोगों ने कहा था 10 इतवार 10 मिनट 10 हफ्ते अगर अपने घर में आप कूलर के पानी को इकट्ठा नहीं होने देंगे, इस तरह का हम लोगों ने प्रचार प्रसार करके 70 करोड़ लगाने के बाद अगर दिल्ली की जनता में डेंगू से, दिल्ली में घर घर पानी पहुंचाने का वादा भी आपने किया था, हम लोगों ने अच्छा दिल्ली में घर घर पानी पहुंचाने का वादा भी आपने किया था, और उस बयान भी अगर आपको होता तो मैं भी दिखाता जहाँ आपने साल दर साल 2024 अब 2024 हो गया, सात साल से डेट बदलते जा रहे हैं। निरंजन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? निरंजन जी आप कुछ कह रहे हैं? हाँ जी निरंजन जी आप बोलिए। बिल्कुल हरीश जी, जी ऐसा है इस देश के अंदर अगर आपको सरकारी शिक्षा व्यवस्था ठीक करनी है, अगर आपको सरकारी हॉस्पिटल ठीक करने हैं, तो इसका सीधा सा एक सुझाव है, मैं सभी पार्टियों को और पूरे राजनीतिक जमात को एक सुझाव देता हूं, आप एक नियम लागू कर दीजिए, कोई भी शिक्षा विभाग का चतुर्थ से लेकर के प्रथम श्रेणी और मंत्री और चीफ जो शिक्षा विभाग का जो प्रधान सचिव है, उनके बच्चे भी सरकारी अगले 2 साल के बाद से सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि सरकारी स्कूलों की तबीयत बदल जाएगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा एक बार बताइए, देश बड़ा की दल नहीं, कमी नहीं है सर, जवाब दीजिए, देश बड़ा कमी नहीं है, देश के टैक्स के पैसे से अगर जनता को दे रहे हैं, कमी किस बात की सर? देश को अगर अच्छा शिक्षित करना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश की जनता अच्छी शिक्षा ले पाएगी सरकारी, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं ले पाएंगी, अच्छी सड़कें होंगी, नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी, महिलाओं को सुरक्षा अगर आम आदमी पार्टी देने का वादा कर रही है, इसमें गलत क्या है? एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश कर रहा हूं, गलत क्या है इसमें? प्रीतपाल जी कोई गलत नहीं है, आप अपनी जगह सही है, आप मेरी बात सुन लीजिए, देश बड़ा की दल देश देश, और मैं मेरे हर डिबेट में मैं एक ही सभी को एक ही जगह लाता हूं, अगर देश बड़ा है आपके मानने में तो भारत माता की, सब एक साथ बोलिएगा, जय भारत माता की, जय भारत माता की, जय
चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, भारत माता की जय के साथ हम इस कार्यक्रम को खत्म करते हैं। और मुद्दों पर रहिएगा, सभी से मेरी ये गुजारिश है, जनता को भटकाइए नहीं, मुद्दों पर रहिएगा। ये प्रोग्राम हमारा आज यहीं खत्म होता है, डिबेट हमारी इसी तरह से चलती रहेंगी, जनता की मुद्दे उठाते रहेंगे, प्रश्न हम उठाते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का जिन्होंने हमारा ये कार्यक्रम देखा, जो अब आगे देखने वाले हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।